So hello friends, how are you all? I'm back with my another video on the different topic that is transportation in plants. तो हमने देखा था कि हमारी बॉडी में मतलब कि हार्ट के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. सो आज हम देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है. ऑब्वियसली बात है, प्लांट्स को भी एनर्जी और फूड और ऑक्सीजन की नीड है, तो वो कैसे होता है, लेट्स सी दैट. Okay, from plants, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus, and other minerals. The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. अब हमारे पास तो क्या है ना कि हम तो न्यूट्रिशन मतलब कि फूड इज आवर सोर्स. तो हम तो फूड खाते तो हमें तो एनर्जी मिल जाती है, लेकिन प्लांट्स तो नहीं खाते. तो प्लांट्स कहाँ से एनर्जी लाते हैं कि नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स जो उनका रॉ मटेरियल का है दैट इज द सॉइल. सो वो मिनरल्स एंड रॉ मटेरियल्स वो सारी चीज़ें सॉइल से रूट्स में ट्रांसफर करते हैं एंड वो सारी चीज़ें लेते हैं. इफ द डिस्टेंसेज बिटवीन सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, एनर्जी और रॉ मटेरियल्स कैन इजिली डिफ्यूज टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अगर हम बात करें हर्ब्स एंड श्रब्स की, सो दे आर शॉर्ट हार्टेड हाइटेड प्लांट्स, तो उसमें ना डिफ्यूजन से सारी प्रोसेस हो जाती है. मतलब कि सारी जो रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल्स है वो सारी चीज़ें ऑल दी पार्ट्स में पहुंच जाते हैं. लेकिन वॉट अबाउट दी टॉल प्लांट्स, सो बट इफ दिस डिस्टेंसेज बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशियंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स. सो डिफ्यूजन प्रोसेस इज नॉट इनफ इन टॉल प्लांट्स, सो वी नीड अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन. तो अगर हम बहुत टॉल प्लांट्स की बात करें तो सिर्फ डिफ्यूजन से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, तो सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा. सो वी नीड अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, सो देयरफॉर टू पाथवेज हैव डेवलप इन प्लांट्स इंडिपेंडेंटली विच कंप्राइजेज ऑफ जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज. अब जो जाइल हमें पता है कि खाना और पानी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो पानी जो ट्रांसफर करता है दैट इज द जाइलम टिश्यूज, एंड फ्लोएम जो ट्रांसफर करता है दैट इज द फूड. सो फूड जो ट्रांसफर करता है दैट इज द फ्लोएम टिश्यूज. अब बोथ जाइलम एंड फ्लोएम कैरी सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अनदर. ऑब्वियसली दे आर द ट्रांसपोर्टेशन पाथवे, सो दे ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर. अब जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, फ्लोएम ट्रांसफर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब इसे याद कैसे रखोगे, तो फ्लोएम पी फॉर फ्लोएम पी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि फ्लोएम ट्रांसफर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, नाउ सी इट वन बाय वन. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अब कैसे होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट, लेट्स सी दैट. इन जाइलम टिश्यूज वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो हमें छोटी सी छोटी जगह पे भी हमें पहुंचवाना है पानी, तो दिस देयरफॉर दे आर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब एट द रूट्स सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस. अब जो एक्टिवली है यहाँ पे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये क्यों है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा होगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो डिफ्यूजन होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है कि द मटेरियल जो भी है ट्रांसपोर्ट करने का वो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो इसे कैसे समझोगे, सॉइल से रूट जो है वो आयंस को टेकअप करेंगे, तो सॉइल में ज़्यादा है एंड रूट्स में कम है, तो ये मिनरल्स कहाँ से आयंस कहाँ से जा रहे हैं, सॉइल्स टू रूट. अब ये जा रहे हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिवली टेक अप आयंस. मतलब वो एक्टिवली हो रहे हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज दिस. सो दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल. अब ये ऑब्वियसली बात है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा. सो वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. वाटर क्या करता है, उसे न्यूट्रिलाइज करने का काम करता है, दैट्स फॉर इट सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस के लिए वो मूव होता है फ्रॉम रूट टू सॉइल. Now this means that there is a steady movement of water into roots, xylem creating a column of water that is steadily pushed upward. अब ये क्या होता है ना कि water जो है वो soil से roots से
अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मतलब कि रूट से फिर वो जाएगा लीव्स एंड ट्रंक एंड वो सारी चीजें, मतलब कि इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन शॉर्ट इट मूव्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन ओनली। नाउ हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर दी हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। अब जो प्रेशर है वो लो होता है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स प्लांट की जो एनर्जी नीड्स है वो भी लो है, क्योंकि क्यों? क्योंकि प्लांट्स एक मूवेबल नहीं है, मूवेबल लिविंग थिंग नहीं है, प्लांट्स एक ही जगह पे होता है, दैट्स व्हाई दे क्रिएट्स अ लो प्रेशर। तो उनकी लो प्रेशर की वजह से जो टॉल हाइटेड प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं, कई ट्रीज ऐसे होते हैं कि आपकी आप उनकी टॉप देख ही नहीं सकते, मतलब उनका टॉप आपको दिखेगा ही नहीं, इतने टॉल होते हैं। तो उन टॉल प्लांट्स में प्रेशर वाटर नीचे से ऊपर तक नहीं जा सकता, तो वो उसके लिए ना अनदर स्ट्रेटेजी प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन टू जाइलम अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। अब जो अनदर स्ट्रेटेजी है दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, इसका मैं शॉर्ट बना दूंगी, आप उसमें देख लेगा, क्योंकि इन दिस वी नीड विजुअल्स टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स, सो प्लीज चेक इट आउट दिस शॉर्ट फॉर दिस। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हमने पानी का तो देख लिया थी, ठीक है, पानी तो नीचे से ऊपर जाता है इन अपर डायरेक्शन एंड वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रीजन से जाता है। अब व्हाट अबाउट फूड? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस में क्या होता है कि द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो लीव्स में खाना बन गया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के से, तो उसे अब डिफरेंट प्लांट में जाना है, तो वो कैसे जाएगा? सो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, इसका नाम है ट्रांसलोकेशन, एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वास्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। मैंने बोला था कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो फ्लोएम इज यूजफुल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। नाउ बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस, मैंने बोला कि वो दूसरी सारी छोटी छोटी चीजें हैं वो भी फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट करता है, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। नाउ दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स। अब क्या है ना कि लीव्स में तो खाना बनता है, जब तक सनलाइट है तब तक खाना बनता रहेगा, अब जो खाना है वो स्टोरेज ऑर्गन्स में जाके स्टोर हो जाएगा ताकि जब सनलाइट ना हो तब उस खाने का यूज आ सके। सो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पॉइंट कि स्टोरेज ऑर्गन्स में जाके वो स्टोर हो जाता है, सो देयरफॉर इफ द सनलाइट इज एब्सेंट सो प्लांट कैन यूज यूटिलाइज दिस फूड फॉर द एनर्जी। नाउ The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. Now this is the point to be noted down. क्यों? क्योंकि जो phloem है वो ना both direction, मतलब कि upward and downward direction दोनों में transportation करता है, क्यों? क्योंकि leaves जो है वो बीच में present होते हैं, तो leaves से खाना at the top of the tree भी जाता है and at the bottom of the tree भी जाता है, तो इन बोथ दी डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर्स। लेकिन जाइलम में क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में क्या था कि वाटर ओनली ओनली गोज इनटू अपर डायरेक्शन, मतलब कि उसका ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यूनि डायरेक्शनल है, जाइलम का ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यूनिट डायरेक्शन है, लेकिन इन केस ऑफ फ्लोएम इट इज बाई डायरेक्शनल, वो अपवर्ड भी जाता है एंड इट वो डाउनवर्ड भी जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर दैट इज द जाइलम वो सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर का। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ओके अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच वैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाई द सिंपल फिजिकल फोर्सेज दैट इज द डिफ्यूजन, नाउ द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव बाई यूटिलाइजिंग एनर्जी। सो दिस नीड्स एन एनर्जी that is the materials like sucrose is transported into phloem tissues using energy from ATP. तो ATP का use होके transfer होता है, तो ये सारी चीज़ें ना आप डिटेल में पढ़ोगे इलेंटर्स में, लेकिन यहाँ पर तुम्हें याद रखना है कि phloem का जो transfer होता है it utilizes energy in the form of ATP. Now this increases the osmotic pressure of the tissues causing water to move into it. अब इसके कारण जो osmotic pressure होता है वो increase होता है tissues में, so this pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. अब जो higher pressure है वहाँ से वो
टिश्यूज फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर होता है फ्रॉम हायर टू लेस प्रेशर, हाई प्रेशर टू लेस प्रेशर. सो दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स. अब प्लांट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग ही ये फ्लोएम वर्क करता है. अगर कहीं पे प्रेशर ज्यादा है तो वहां से वो निकल लेगा, अगर कहीं पे प्रेशर कम है तो वहां पे वो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करेगा. सो अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड्स इट वर्क्स. सो फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर इन रूट्स और स्टेम टिश्यूज वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स व्हिच नीड्स एनर्जी टू ग्रो. अब ये तो वी ऑल नो दैट कि जहाँ पे हमें एनर्जी मतलब कि ग्रो होने में ग्रोइंग पार्ट्स हो गए, एरियल पार्ट्स हो गए, जहाँ पे हमें एनर्जी की नीड्स है वहाँ पे जो स्टोर्ड फूड है वो काम आ जाएगा क्योंकि सनलाइट नहीं. तो अगर सनलाइट इज एब्सेंट तो द प्लांट यूजेस द स्टोर्ड फूड टू यूटिलाइज द एनर्जी. ओके नाउ दैट्स इट. ट्रांसपोर्टेशन हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया है. एक जो शॉर्ट बचा है वो अब मैं अपलोड कर दूंगी, वो आप देख लेना. सो हियर वी कंप्लीट अवर ट्रांसपोर्टेशन फुल टॉपिक. अब आएगा एक्सक्रीशन में, ताकि जो अनवांटेड मटेरियल्स है वो हम कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारी बॉडी से वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो मोटिवेशन फॉर यू ऑल दैट मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग. अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपकी मिस्टेक है एंड दिस यू नीड नॉट डू, ये आपको नहीं करनी है दोबारा, मतलब दिस यू डू नॉट हैव टू रिपीट इन द एग्जाम. अगर आप अभी मिस्टेक्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम में नहीं करनी है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड देर इज ऑल्सो सेइंग दैट फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ सक्सेस. तो इसीलिए मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग. तो मिस्टेक करो लेकिन मिस्टेक करने के बाद उसमें से सीखो, कुछ ना कुछ नया नया सीखो. ऐसा नहीं है कि मिस्टेक हो गए अब ऐसा करो कि एक बार जो मिस्टेक हुई वो दोबारा रिपीट ना हो, और उससे जितनी भी चीज़ें सीख सकते हो उससे लर्न करने की ट्राई एंड कीप ट्राइंग. ओके सो we will meet in my next lecture. Till then keep study well, take care and bye everyone.